ये वूल जो है ये मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, चाइना से भी आते हैं, फिर वो वूल यहाँ आता है और इसके बाद इस मशीन में हम डालते हैं धोने के लिए। उसके बाद वो वूल जब धोई जाती है मुकम्मल, तो सुखाने के लिए स्टीम के ज़रिए हम इस मशीन में डालते हैं। सूखने के बाद या हम लाते हैं इसके ब्लेंड लगाते हैं, ब्लेंड कमरे से इसको निकाल के हम इस मशीन में डालते, कच्चा धागा बनाकर फिर इसे हमें और मशीनों में ले जाना पड़ता है। ये मुकम्मल बन जाता है और इससे हम हर किस्म का धागा फिर तैयार कर सकते हैं, कच्चा धागा। इस मशीन से हम इस किस्म का धागा बनाते हैं। और ये धागा जो है ना, इस मशीन पर निकला ये ऊल है और इसके बाद ये पक्का नहीं है, इसको फिर पक्का करने के लिए और मशीनों के पास जाना पड़ते है। इसके बाद वही धागा इधर लाते पक्का करने के लिए, इधर ऊपर जो है ये कच्चा है, लेकिन जब ये नीचे आ जाता है तो ये पक जाता है। अभी ये धागा जो है ना मुकम्मल तरीके से पक गया है, ये पक्का धागा है। ये रिंग के लिए धागा बराबर करते हैं और ये जो दे तकरीबन इसमें 12 और तकरीबन 16 भाव बने, और ये जब बराबर मोटे हो जाते तो इसको हम और मशीनों में ले जाते हैं और उससे पक्का धागा बनाते हैं। इधर जो धागा आते तो यह पक्का करने के लिए चाइना मशीनरी के जरिए हम इस धागे को पक्का करते हैं। इधर जो होते कच्चा होते और जब नीचे आ जाते तो ये पक्का बन जाते हैं, मुकम्मल धागा पक्का होता है। ये हमारी लेटेस्ट आटा कोन मशीन है। जब उधर से धागा पक्का बन जाते हैं, बॉबन बन जाते हैं, तो इसके जरिए हम इसके गोले बनाते हैं। इसके बाद हम बीम बनाते और बीम जो है फिर ये बीविंग के लिए तैयार करते हैं, इससे फिर आसानी से कपड़ा बनते हैं। इसके बाद ये गोले हम बना के इस मशीन में लगाते हैं। जब बीम तैयार किया जाता है तो ये बीम एक हम फ्रेम लगाते हैं और ये फ्रेम इसका ड्रेंग करते हैं, ड्रेंग फिर बीविंग के लिए मशीन के लिए हम तैयार करते हैं। ये बीम अभी वार्पिंग से तैयार होके इधर आया है। अभी देखो हर एक धागा इसमें अपने ड्रेंग के लिहाज से है। फिर जब बीविंग से पीस जब हम उतारते हैं तो ये इधर मेन सेक्शन है, इसमें इसकी रफो होती है, इसमें धागा होता है मोटा या किनारा खराब होता है, इसको साफ करने के लिए कारीगर बैठे टॉप टॉप कारीगर, तो ये पीस को बराबर करते हैं। इधर इसकी मुकम्मल धुलाई की जाती है, जिसमें गर्द हो, गंदा हो, कोई और ऐसी चीज़ हो, तो ये पीस को मुकम्मल तैयार करने के लिए इसकी ये वॉशिंग की जाती है, जो घंटे के लिहाज से की जाती है और इसके टॉप कारीगर ये करते हैं। उधर धुलाई की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, तो ये इसको नरम बनाती है, पशम निकालती है। जिधर भी ये एयरफोर्स बाहर मुल्कों में या पायलट ये जो जैकेट पहनते हैं, ये वो कपड़ा है। इसके बाद इसको तैयार किया जाता है, इस्त्री किया जाता है और ये स्टीम के जरिए इसकी इस्त्री मुकम्मल की जाती है। ये मशीन से निकली है, ये इस्त्री हुई है और ये मुकम्मल अभी ये पीस जो है ना जो आप देख रहे हैं ये मुकम्मल अब सेट हुआ है। अभी इसको हम शापर में डालेंगे, इसकी नाप तोल करेंगे, बस इसको हम पैक करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक में इसको भेजेंगे। इसके बाद इस मशीन में आ जाती है, इसका मशीन का नाम बुकिंग है और इधर इसकी चेक पड़ताल की जाती है। फाइनल कपड़ा अभी ये आखिरी ये इसकी जगह है, इधर हम चेक कर दें, अगर कोई फल्ट हो, कोई मसला हो, तो ये इधर सेट करके हम इसके बाद फिर बाहर मुल्कों मुख्तलिफ ममालिक में भेजते हैं।